हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी चस्का। आज हम फटाफट ग्रेवी वाले मंचूरियन की रेसिपी शेयर करेंगे। तो इसके लिए देखिए, हमने लिया है ये पत्ता गोभी कैबेज। इसको हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया। आप ग्रेट कर सकते हैं या चॉपर से चॉप कर लें। ये हमने ओनियन लिए है, इसको भी हमने चॉप किया हुआ है। ये ग्रीन चिली, गार्लिक और ये हमने कैप्सिकम। आप ग्रीन भी ले सकते हैं और या दोनों तीनों तरह की कैप्सिकम, येलो, रेड, ग्रीन, तीनों ही कैप्सिकम ले सकते हैं। हमने यहाँ पर ग्रीन जो भी इस टाइम में अवेलेबल है वो हमने लिया हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम इसका मंचूरियन की बॉल्स के लिए इसका डो तैयार करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम, क्योंकि हम ग्रेवी वाली मंचूरियन बना रहे हैं तो इसमें इसको हम बॉल्स को ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बनाएंगे, यानी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनाएंगे, थोड़े सॉफ्ट बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए, हमने हाफ केजी लगभग हमारा ये कैबेज था, इसको हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया। इसका हमने पानी स्क्वीज नहीं किया है। अगर हम ड्राई वाली बनाते हैं तो उसमें हम इसका पानी भी निकाल देते हैं, जूस भी इसका निकाल देते हैं, लेकिन अगर हम इसमें इसका जूस रखते हैं तो ये हम थोड़ा सा इसको सॉफ्ट डो इसका तैयार करेंगे। साथ ही देखिए, इसमें हमने ये हम वेजिटेबल्स का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं ताकि ये थोड़ा हेल्दी वे में भी आए। ये हमने ओनियन लिया हुआ है, ये ग्रीन चिली, साथ ही ये हमने गार्लिक, ये देखिए हमने कैप्सिकम, इसको भी हमने चॉप कर लिया था। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वेजिटेबल्स का हम यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं ताकि हमारी ये मंचूरियन भी थोड़ी हेल्दी वे में आए। ड्राई मंचूरियन और ग्रेवी वाली मंचूरियन में की वैसे बॉल्स में थोड़ा सा अंतर होता है। इसकी बॉल्स थोड़ी आप सॉफ्ट बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि इसके अंदर ग्रेवी इजीली चली जाएगी और खाने में भी सॉफ्ट बनती है। और ड्राई मंचूरियन की बॉल्स थोड़ी सी टाइट डो की बनती है ताकि वो क्रिस्पी रह सके। ये देखिए, ये हमने इसमें मिक्स कर दिया है। साथ ही इसमें हम देखिए, ये 5 टेबल स्पून ये हमने मैदा इसको ऐड किया है। साथ ही 5 टेबल स्पून ही हम इसमें कॉर्न फ्लावर, अभी हम पहले 4 टेबल स्पून ले रहे हैं क्योंकि हम इसको ज़्यादा टाइट वे में नहीं बनाएंगे। ड्राई मंचूरियन में देखिए, आपको राइस फ्लावर भी थोड़ा सा ऐड करना पड़ता है थोड़ा उसको क्रिस्पी बनाने के लिए। इसमें हमें राइस फ्लावर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। 1/2 टेबल स्पून ये हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया। 1/4 टेबल स्पून गर्म मसाला, 1/2 टेबल स्पून ये देगी लाल मिर्च पाउडर। इन सबको हम अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे, हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हमने ये कढ़ाई में, पैन में ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है। फटाफट तैयार हो जाते हैं मंचूरियन, ग्रेवी वाली मंचूरियन। आप इसको किसी नूडल्स के साथ, फ्राइड राइस के साथ, किसी के भी साथ आप खा सकते हैं। देखिए, इसका थोड़ा सा डो लूज रखेंगे हम ताकि ये हमारे सॉफ्ट बन सके बॉल। देखिए, ये हमने अच्छे से सब मिक्स कर लिया है, अच्छे से इसको तैयार कर लिया। देखिए, ऑयल को हमने अच्छे से गरम कर लिया है। अब हम इसमें साथ के साथ छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे इसकी। ये देखिए, आप बॉल्स को पहले भी बना कर रख सकते हैं और साथ साथ भी आप इसे बना कर डाल सकते हैं। थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए सभी बॉल्स बना लेंगे हम। देखिए, इनको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस गोल्डन फ्राई करेंगे ताकि हमारी वेजिटेबल्स भी जले ना। देखिए, थोड़ा थोड़ी फ्राई होने लग गई हैं, इनको हम उलट पुलट कर देंगे, अच्छा सा ये गोल्डन कलर आने देंगे। देखिए, अच्छा सा कलर आने लग गया इनमें। आप इनको हेल्दी बनाने के लिए मैक्सिमम वेजिटेबल्स का यूज करें, साथ ही मैदा, कॉर्नफ्लावर का यूज थोड़ा कम करें। देखिए, हमारे सभी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इनको एक किचन पेपर पर
अच्छे से निकालने, देखिए बहुत ज़्यादा फ्राई ना करें, निकाल लेंगे इसी तरह से हम सभी बॉल्स फ्राई कर लेंगे। देखिए ग्रेवी तैयार करने के लिए हमने वही पैन लिया है, उसी कढ़ाई में जिसमें अभी हमने फ्राई किए थे उसी का ऑयल निकाल के थोड़ा सा हमने इसमें ऑयल डाला है। देखिए सबसे पहले हमने ये गार्लिक पेस्ट डाला, चॉप हरी मिर्च, ऑनियन, साथ ही थोड़ा सा कैप्सिकम चॉप्ड है महीन, सबको अच्छे से डालकर थोड़े से सौते कर लेंगे। ये हमने डाइस में थोड़ी सी ओनियन डाली है, थोड़ी सी कैप्सिकम और थोड़ी सी ये कैबेज, थोड़ा सा सौते करेंगे सभी को। थोड़ा सा हेल्दी वे लाने के लिए हमने थोड़ा सा वेजिटेबल्स का यूज किया है, ये आपका ऑप्शनल है, वैसे बहुत अच्छी लगती है वेजिटेबल्स भी इसमें। साथ ही इसी स्टेज पर अब हम देखिए लगभग 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून ग्रीन सॉस, चिली सॉस, इन सबको ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ी सी ये शेजवान चटनी, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा सभी को बैलेंस करने के लिए टोमेटो केचप, अच्छा सा मिक्स कर देंगे। और जिस बॉल में देखिए जिस बॉल में हमने बॉल्स बनाई थी बॉल में उसी में ही पानी डाल ऐड कर देंगे, उसी में डालकर देखिए अच्छे से मिक्स कर देंगे। ग्रेवी ज़्यादा रखने के लिए थोड़ा पानी हम ऐड और करेंगे, अभी इसमें पानी कम है। देखिए अच्छे से बॉयल आने देंगे, देखिए 2 टेबल स्पून हमने ये कॉर्नफ्लावर लिया है, इसमें भी हम पानी डालकर इसका पेस्ट तैयार करेंगे और इसकी थिकनेस के लिए ये देखिए अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे, लम्स नहीं पड़ने चाहिए इसको, पहले इसमें एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे। सूप में ग्रेवी में 1/2 टेबल स्पून इसमें हमने गरम मसाला भी ऐड किया, ये भी ऑप्शनल है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है गरम मसाले का। अगर आप थोड़ा स्पाइसी पसंद करें तो थोड़ी सी ब्लैक पेपर, सबको अच्छे से ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे, बॉयल आने देंगे। देखिए बॉयल आने लग गया, इसी स्टेज पर हम थोड़ा सा 1/2 टेबल स्पून इसमें, क्योंकि सभी सॉस में बॉल्स में सभी में ही हमारे सॉल्ट है इसलिए पहले सॉल्ट का यूज़ थोड़ा कम करें। देखिए अच्छे से देखिए बॉयल आने लग गया है, अब हम इसमें ये हमने जो कॉर्नफ्लावर को मिक्स करके पानी में इसको इसमें ऐड कर देंगे धीरे धीरे और कंटिन्यूसली थोड़ी देर चलाएंगे ताकि लम्स ना पड़े, अच्छा सा बॉयल आने दें। थोड़ा सा देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया, थोड़ा सा ये थिक भी हो गया ये ग्रेवी, देखिए इसमें बॉयल भी आ रहा है। अब हम इसी स्टेज पर इसमें जो हमने ये बॉल्स बनाई थी वो हम अपनी डाल देंगे, अच्छा सा ये देखिए बॉयल आने देंगे। देखिए कितनी अच्छी मंचूरियन बनी है, इतना प्यारा कलर आया है,
हल्का सा बॉयल आने देंगे। देखिए हमारी मंचूरियन बिल्कुल बनकर तैयार है। देखिए कितना प्यारा कलर आया है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। इनको सर्व करते हैं। देखिए हमारी मंचूरियन वेज मंचूरियन बनकर बिल्कुल तैयार है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हेल्दी और फटाफट तैयार होने वाली रेसिपी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।